महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अभी तक बीजेपी ने 427 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी नंबर दो पर है और उसने अभी 227 सीटें जीती हैं। वहीं 187 सीटों के साथ शिवसेना सिंधे गुट तीसरे नंबर पर है। उधर कांग्रेस चौथे स्थान पर है, उसने 95 सीटें जीती है। शरद पवार गुट 74 सीटों पर जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। उद्धव ठाकरे गुट ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि वैसे हर पार्टी ने अपनी जीत के अलग अलग आंकड़े बताए हैं। शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट और साथ ही राज्य में मराठा आरक्षण की आग के बीच रविवार को 2360 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। आज वोटों की गिनती शुरू है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके परिणाम से बहुत हद तक महाराष्ट्र की राजनीति का गणित पता चल जाएगा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में ग्रामीण मतदाता कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की महाविकास अघाड़ी के साथ हैं या फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की महायुति के साथ।